Nikhil, I'm Maitri. And I'm Kanti. आज हम बना रहे हैं वीडियो ऑन प्री एंड पोस्ट वर्कआउट मील. तो जैसे हम टाइटल से देख ही लिया होगा, आज हमारी वीडियो है प्री एंड पोस्ट वर्कआउट मील के ऊपर. लाइक हम वर्कआउट करने से पहले क्या मील खाते हैं एंड उसके बाद क्या खाते हैं जो कि हेल्दी होती है. सो हमने सोचा कि क्यों ना आपके साथ शेयर किया जाए. सो यू गाइस कैन आल्सो डू द सेम, ताकि आप भी हेल्दी खाना खाओ रादर देन थोड़ा अनहेल्दी वर्कआउट से पहले एंड वर्कआउट के बाद. इवन पूरे दिन भी यू कैन मंच देम. हाँ, तो आप लोग अगर हमको इंस्टाग्राम पे फॉलो करते होंगे तो आपको पता ही होगा हम स्टेटस डाल रहे हैं आजकल. लाइक हम लोग रोज वर्कआउट करते हैं गाइस. या सीरियस, प्लीज सीरियस है. काफी टाइम हो गया है रेगुलर वर्कआउट करते हुए. हाँ, वो पता लगे रोज रोज पोस्ट नहीं करते कि क्या मतलब है सेम ही कपड़ों में पोस्ट. बट इट्स ओके. बट हाँ, हम लोग वर्कआउट कर रहे हैं गाइस, सीरियसली हम वर्कआउट कर रहे हैं. तो हमने सोचा वर्कआउट इज नॉट लाइक फॉर शेप योर सेल्फ इन अ वेरी गुड फिगर, इट्स जस्ट फॉर अ हेल्दी रूटीन इन योर लाइक. आप थोड़ा स्टेमिना बिल्ड हो जाता है आपका. टू बी फिट एंड हेल्दी हम वर्कआउट करते हैं, नॉट टू बी लाइक फिगर मेंटेन करने के लिए. ओके, तो इस बात को ज्यादा लंबा नहीं छेड़ते हैं. एंड ऑल्सो गाइज, हैप्पी सिबलिंग्स डे. हैप्पी सिबलिंग्स डे. सुबह से तो बोला नहीं, अभी याद आ गया वीडियो में. चलो ठीक है, आज है सिबलिंग्स डे. तो वी होप आप लोग को मजा आएगा इस वीडियो को देखने में. ये क्या, आप भी अपने सिबलिंग्स के साथ थोड़ा तमीज से व्यवहार करें आज के दिन, सिर्फ आज के दिन. जी बिल्कुल, थोड़ा सा क्या बोलते हैं इसको, इज्जत देते हुए हैप्पी सिबलिंग्स डे को. तो इसलिए ओके, तो आपको इस वीडियो देखने के लिए क्या करना पड़ेगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब टू अवर चैनल एंड ऑल्सो हिट द बेल आइकन सो नोटिफाइड व्हेनेवर वी पोस्ट न्यू वीडियोस. सो विदाउट एनी फर्दर एडू लेट्स गेट स्टार्टेड. So, let's start with the video. Actually, हम पहले खाते हैं प्री वर्कआउट मील, कि हम क्या वर्कआउट करने से पहले खाते हैं जो कि बहुत लाइट भी हो. और हमको ना ऐसा वर्कआउट के टाइम पे ऐसा लगे कि बहुत हैवी खा लिया है, वर्कआउट नहीं हो पाएगा बिल्कुल. जैसे क्या होता है, लोग ज्यादातर क्या करते हैं कि कॉफी के शॉट्स लेते हैं प्री वर्कआउट मील के तौर पे. तो हम लोग क्या करते हैं, कॉफी शॉट्स आपको एटलीस्ट 40 या 50 मिनट्स पहले लेना पड़ता है. तो वर्कआउट से आपको है कि यार वर्कआउट करना है और ना मुझे टाइम नहीं है, लाइक 15 या 10 मिनट्स है. So you guys can eat the Nutty Gritties का sports mix, जिसमें कि आपको मिलता है सब कुछ. लाइक आपको मिलेगा इसमें ड्राइड क्रैनबेरीज, रोस्टेड आलमंड्स, रोस्टेड कैश्यू नट्स, रेजिन्स, रोस्टेड पिस्ताचियोस, ड्राइड ब्लूबेरीज, मतलब हर एक चीज ऑल इन वन. जी बिल्कुल. एंड ऑल्सो गाइज, Nutty Gritties के स्पोर्ट्स मिक्स एंड लाइक उनकी बहुत वेराइटीज है, स्पोर्ट्स मिक्स, मॉम्स मिक्स, काफी रेंज है उनकी. हाँ, तो इसमें एंड ऑल्सो दे आर ऑल नेचुरल एंड नो प्रिजर्वेटिव एंड दे आर हाई इन डाइट्री फाइबर, हाई इन एनर्जी, रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन. तो यही हमको चाहिए होता है प्री वर्कआउट एंड पोस्ट वर्कआउट मील में. फॉर हेल्दियर लाइफ यू गाइस कैन जस्ट चेक आउट द Nutty Gritties के स्पोर्ट्स मिक्स. एंड मिडनाइट में आप लोग को ऐसा क्रेविंग होती है कि यार चिप्स खा लेते हैं बिकॉज बनाने में टाइम ही लगता है, तो उससे बेटर है ऑप्शन है Nutty Gritties के स्पोर्ट्स मिक्स खाएं, बिकॉज दे आर हेल्दी. एंड इसके पीछे लिखा भी हुआ है कि यू कैन एंजॉय हेल्दी मिडनाइट मंचिंग. तो इससे बेटर ऑप्शन क्या हो सकता है. सो वर्कआउट करने के लिए आपको चाहिए एनर्जी, जो कि आई थिंक स्पोर्ट्स मिक्स में हमको भरपूर मिलेगा. जी, बिकॉज दैट्स why they named as sports mix guys. Yeah, exactly. Taliya bajna chahiye is pe. आई थिंक आप लोग को Nutty Gritties के स्पोर्ट्स मिक्स ट्राई करना चाहिए, बिकॉज हमको काफी टाइम हो चुका है, आई थिंक फ्यू मंथ्स हो चुके हैं हमको ये. सो यू कैन हैव वन पेस्ट ऑफ दिस स्पोर्ट्स मिक्स एंड आप रेडी हैं वर्कआउट के लिए. लाइक आज आपके सामने कॉफी शॉट्स वगैरह होता है कि आपको कॉफी शॉट लेना है उसके बाद आपको वर्कआउट करना है, इट फील्स सो बोरिंग. आपको सोचना पड़ता है यार कभी कॉफी शॉट लाइक कड़वा सा वो पीना पड़ेगा, देन यू हैव टू वर्कआउट एंड वो 40 मिनट्स बाद. आपका टाइम बहुत वेस्ट होता है उस चीज में. एक्जैक्टली, थिंक आपको Nutty Gritties का स्पोर्ट्स मिक्स ट्राई करना चाहिए, क्योंकि इसमें आपको मिलेंगे बहुत ही प्यारे लाजवाब ड्राइड फूड्स. या कलरफुल है ना, तो देखने में ये सब तक यार नाउ आई कैन ईट दिस वन. एंड ऑल्सो गाइज, दे ऑल्सो हैव दिस स्मॉल पैकेट्स जो कि है लाइक हर एक वैरायटी है इसमें, लाइक रोस्टेड आलमंड्स हैं लाइटली, बारबेक्यू आलमंड्स, कुछ न्यू यूनिक सा कुछ सुनने को. एंड ऑल्सो थाई चिल्ली ब्लेंड, लाइक आपको इसे ट्रैवलिंग अब कर रहे हो एंड आपको क्रेविंग हो रही है, थोड़ी सी भूख लग रही है नो, तो आप उनको नो हैंड बैग में डालो यू नो, एंड आपको थोड़ी सी क्रेविंग हो रही है तो आपको बाहर की चीजें कुछ खरीदने की जरूरत नहीं है. हैव सम हेल्दी स्नैक्स. यस, एंड और बहुत ही मस्त मस्त इन लोग के फ्लेवर्स है ना, जॉम्बो रोस्टेड आलमंड्स या फिर रोस्टेड कैश्यू नट्स. मैंने सिर्फ सुना भी नहीं कभी आज नो, साउदर्न पेपर कैश्यू नट्स एंड लाइक आई थिंक दे हैव वेरी मच वैरायटी यार. हाँ, एंड टू हेल्दी एंड जीरो ऑयल, सबसे मेन चीज. हम कोई भी चीज खाते हैं तो हम सबसे पहले देखते हैं इसमें ऑयल फैट है कि नहीं, एंड दे हैव नो ऑयल नो फैट एंड ऑल्सो नो प्रिजर्वेटिव्स. सो गाइज, हमारा प्री वर्कआउट मील तो आपने देख ही लिया, बहुत सिंपल एंड बहुत बेसिक सा. तो अब चलते हैं पोस्ट वर्कआउट मील की तरफ.
जो कि है बहुत इंटरेस्टिंग. हम बनाने वाले हैं स्मूदी, टेस्टी स्मूदी, यम्मी स्मूदी. जी बिल्कुल, बिकॉज यू नो पोस्ट वर्कआउट मिल ना कुछ इसे टेस्टी सी होनी चाहिए, आपको थोड़ा सा है ना एक्साइटेड करे. तो वर्कआउट करते टाइम ऐसा लगे कि यार इसके बाद मुझे कुछ टेस्टी सी एंड हेल्दी सी चीज मिलने वाली है खाने को. तो इसलिए हम बनाने वाले हैं स्मूदी जो कि बहुत हेल्दी होगी, रिच इन प्रोटीन होगी. सो जो हमारा पोस्ट वर्कआउट मील है उसमें हमें इंग्रेडिएंट्स चाहिए स्मूदी बनाने के लिए. 1 glass ऑफ मिल्क, 1 banana, 1 apple एंड 1 small bowl ऑफ स्पोर्ट्स मिक्स. तो फटाफट से शुरू करते हैं गाइस. चलिए, हमको पता है गाइस आर आल्सो एक्साइटेड, राइट? या चलिए. तो मैं थोड़ा सा कैमरामैन बन जाती हूं थोड़ी देर के लिए ताकि यू गाइस कैन सी इजीली कि क्या हो रहा है. एंड ऑल्सो गाइस लाइक दृष्टि तो कैमरामैन बन रही है फिलहाल के लिए, तो हम लोग कुछ अपनी चाइल्डहुड स्टोरी भी शेयर करेंगे ताकि आप लोगों को यू नो और इंटरेस्ट आए. ऑल्सो लेट अस नो कि आपकी कोई चाइल्डहुड स्टोरी आपके सिबलिंग के साथ कुछ इंटरेस्टिंग के साथ, तो वो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना क्योंकि हमें बहुत मजा आता है कमेंट्स पढ़ने में. यू गाइस नो दिस. तो गाइज अब शुरू करते हैं बनाना. ये रहा हमारा जार. एंड हाँ, हम लोग चाइल्डहुड मेमोरी बताते हैं अपने जो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है हमारे. हम जैसे कि जब गांव आते थे लाइक एक साल में एक बार आते थे जब हैदराबाद में रहते थे, तो मैं नानी के पास जाती थी और दृष्टि दादी के पास जाती थी. हमारे पास बहुत कम टाइम रहता था, डैडी को छुट्टी बहुत कम मिलती थी, तो हम लोग साल में एक ही बार आते थे गर्मियों की छुट्टी में. तो स्कूल्स की जब छुट्टी होती थी ऑफकोर्स समर वेकेशन, तो हम जब आते थे एंड लाइक आई यूज टू गो विद डैडी दादी के घर पे एंड शी यूज टू गो विद मम्मा नानी के घर पे, बिकॉज नानी की तबीयत उस टाइम पे ठीक नहीं रहती थी. तो मम्मी नानी के साथ तो ना टाइम स्पेंड करना चाहती थी, तो और मैं मम्मी के बिना रह नहीं पाती थी. एंड तो दादी के पास दादी में बुलाती थी, नानी में बुलाती थी, तो हम सबको हमारा है ना प्यार मिल जाए, हमको सबको प्यार मिल जाए, तो हम लोग ने अपना हाफ हाफ हमको डिवाइड कर दिया था. तो बिल्कुल, तो लाइक हम लोग 20 या 30 days के लिए ऐसे डिवाइड हो जाते थे एंड हम तब एक दूसरे को मिस करते थे कभी कभी वैसे तो. एंड या ये एक चाइल्डहुड मेमोरी है हमारी जिसमें हम लोग फर्स्ट टाइम आई थिंक अलग अलग हुए थे ना दृष्टि, वरना हम वैसे हमेशा से ही साथ में रहे हैं. एंड बस एक वही टाइम होता था जब हम दोनों लाइक एक महीने के लिए एक दूसरे से अलग रहते थे. तो लेट मी नो कमेंट सेक्शन बिलो आपकी कोई चाइल्डहुड मेमोरी आपके सिबलिंग के साथ. ओके, तो अब बनाना शुरू करते हैं स्मूदी. तो हम सबसे पहले डाल देते हैं हमारा मिल्क. ये डाल दिया हमने मिल्क. तो बाय द वे ये सिर्फ मैं अपने लिए बना रही हूँ, मेरी बहना मैं दोनों टेस्ट कर लेंगे, डोंट वरी. ओके, और ये हम डालेंगे बनाना. यू नो बनाना डाल सकते हो जिस हिसाब से कंसिस्टेंसी चाहिए. ज़्यादा लिक्विड चाहिए तो हाफ बनाना डालो और मिल्क थोड़ा ज़्यादा. एंड थोड़ा ज़्यादा यू नो स्मूदी टाइप का चाहिए तो थोड़ा एक बनाना चल जाएगा. एंड ये गया हमारा एप्पल. एप्पल मैं डालूंगी हाफ बिकॉज 1 ज़्यादा हैवी हो जाएगा. सो हम डालेंगे हमारे नटी ग्रिटीज के स्पोर्ट्स मिक्स. सो गाइज अगर आप लोगों को बहुत मीठा पसंद है स्मूदी तो आप हनी भी ऐड कर सकते हो. एंड ऑल्सो यू कैन ऐड स्ट्रॉबेरी जो आप लाइक और भी फ्रूट्स आपको जो पसंद हो. आई लाइक दीज ओनली तो मैं इसलिए ही डालती हूँ. तो ये रेडी हो गई है हमारी स्पोर्ट्स मिक्स की हेल्दी स्मूदी. पोस्ट वर्कआउट मील हमारा रेडी हो गया है. सो लेट्स एंजॉय दिस. यस, सो गाइस मैंने आज मेरी बहन के लिए बनाई है स्मूदी. आई थिंक सिबलिंग डे इसलिए इसने इतनी मेहरबानी कर दी है मेरे पे, वरना इसको इतनी ज़्यादा पसंद है ना ये स्मूदी, वो मुझे कभी देती ही नहीं है. लाइक हमेशा मेरे से पहले पीने की कोशिश करती है, बट दिस टाइम आई एम गोना ट्राई एंड मैं कुछ आपको मार्क्स देने वाली हूँ कि आपने स्मूदी कैसी बनाई है. वैसे अच्छी ही होगी बिकॉज इसमें स्पोर्ट्स मिक्स जो है. लेट मी ट्राई. This tastes awesome, like always, हमेशा जैसे हम पीते हैं इसको. बट या इसमें आपको बिल्कुल भी हनी ऐड करने की जरूरत नहीं है क्योंकि इसमें ऑलरेडी हमने बनाना और एप्पल तो डाला ही था. बट ऑब्वियसली इसमें खुद का भी इसका शुगर टेस्ट है क्योंकि इसमें ब्लूबेरीज और क्रैनबेरीज हैं जो कि मीठी ही होती है, as you guys know. तो उससे ना बहुत मीठा मीठा टेक्सचर आ जाता है. एंड यू नो जो वो इसे आता है ना थोड़ा सा nuts जो आते हैं बीच में, बहुत ही अच्छा लगता है, यू नो बहुत टेस्ट लगता है वो. इट्स यम. सो या ये थी हमारी पोस्ट एंड प्री वर्कआउट मील, लाइक टेस्टी पोस्ट एंड प्री वर्कआउट मील. या आपको थोड़ा सा हाँ तो आप लोग को लाइक मन करेगा वर्कआउट करने का भी इससे. एंड आपको थोड़ा सा ना ऐसा लगेगा कि वर्कआउट करके मुझे अच्छा अच्छा कुछ मिलने वाला है खाने पीने को. एग्जैक्टली. सो दिस इज इट फॉर दिस वीडियो. एंड ऑल्सो गाइज अगर आप हमारा कूपन कोड यूज करेंगे द ट्विंस सिस्टर्स तो आपको मिलेगा 10% ऑफ, लाइक वो भी लाइफ टाइम के लिए. ओ माई गॉड. यस एंड लाइक लाइफ टाइम के लिए इन द सेंस आपको एक ही बार यूज कर पाओगे इस कोड को, लेकिन ये वैलिड है जब तक है जा
सो ये वैलिड तब तक के लिए है. सो यू गाइस के लिए, अचानक से हमारे चैनल पे कोई न्यू सब्सक्राइबर आया है तो ऐसा नहीं होना चाहिए ना कि बस सिर्फ वन मंथ के लिए ही तो वो कूपन कोड वैलिड था और तो लाइक आप बाद में मिस नहीं करोगे इसका मतलब. तो आप लाइक किसी भी फ्रेंड्स फैमिली को शेयर कर सकते हो कूपन कोड द ट्विन सिस्टर्स और नटी ग्रिटीज का कोई भी आप खरीद सकते हो लाइक स्पोर्ट्स मिक्स मॉम्स मिक्स बहुत सारे प्रोडक्ट रेंज है इनकी. एंड द ट्विन सिस्टर्स का जो कोड है ये हमारा ये आप सिर्फ नटी ग्रिटीज की वेबसाइट पर ही यूज कर सकते हो तभी आपको 10% ऑफ मिलेगा. जे बिल्कुल तो फटाफट से जाके ग्रैब करो गाइस. ऑल्सो आप अमेजोन में भी चेकआउट कर सकते हो लाइक हम डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देंगे जो नटी ग्रिटीज की वेबसाइट है ऑफिशियल वेबसाइट एंड अमेजोन की भी लिंक. बट आई थिंक आपको नटी ग्रिटीज से बाय करोगे तो आपको 10% ऑफ मिलेगा. तो आप देख लो आपको किसमें फायदा है. ओके तो लेट्स एंड दिस वीडियो हियर. सी यू सून. टिल देन बाय बाय. एंड ऑल्सो गाइस हम लोग सोच रहे थे कि एक वर्कआउट के ऊपर वीडियो बनाएंगे लाइक वर्कआउट रूटीन प्रॉपर वर्कआउट रूटीन. यस इफ यू गाइस वांटेड टू मेक अस सो लेट अस नो इन कमेंट सेक्शन. सो या बाय.